You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh. वेलकम एवरीवन टू अलॉफ्ट होटल, जो न्यू दिल्ली के एरो सिटी एरिया में लोकेटेड है। अब थैंक्स टू मसिव लेस, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स में रहने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट ये जो होटल है, दिस होटल इज एंड विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल टू मी। उसका मेन रीजन है कि मुझे इस होटल से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने कल रात को डिनर एक्सेट्रा के बाद इस होटल की जो मेन एरिया है उसके बहुत सारे अच्छे फोटोज निकाले, और मेरा जो फ्यूचर अपार्टमेंट होगा उसकी मास्टर बेडरूम का जो इंटीरियर है मुझे इसके बहुत सिमिलर बनाना है। द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस होटल रूम इज कि बहुत कॉम्पैक्ट है, इट इज़ नॉट ओवरली बिग, पर जो अटेंशन टू डिटेल की चीज़ है इट इज़ ऑन पॉइंट। सो ये है मेन एरिया, वी कैन स्टार्ट विद दिस टेबल। इस रूम में इन टोटल दो वर्क डेस्क है, एक इस साइड पर है और एक उस कोने में है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे वीडियोस एडिट करना पसंद है, और एक ऐसा डेस्क जो विंडो फेसिंग हो इट जस्ट मेक्स द होल वाइब मच मोर प्रोडक्टिव। और बाहर अगर आप नोटिस करोगे तो जो व्यू है इट इज ऑफ एरो सिटी। अब इससे मुझे सबसे पहले रोजी एट की याद आई। अनफॉर्चुनेटली ये रूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिली, इसीलिए व्यू इतना स्पेक्टेकुलर नहीं है, बट थैंक्स टू दिल्ली देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी आउटसाइड। रोजी एट की जो रूम थी वो आई थिंक 8th या 9th फ्लोर पे थी, जिसकी वजह से विंडो के बाहर ऐसे रनवे और जेट प्लेन्स ये सब दिखते थे। सो इस टेबल पे देयर इज अ नाइस मिनिमलिस्ट कप एज वेल, ये सिद्धांत ने जो ब्राउनीज दिए थे वो है। देन वी कम टू दिस एरिया, यहाँ पर सोफा है और मेरे लिपस्टिक्स नायका फैशन सेल ये मस्कारा। Then we come to this side. यहाँ पर डेस्क नंबर 2, अगेन वेरी नाइस चेयर, टील कलर का कार्पेट जो मुझे बहुत पसंद आया। रूम के इस साइड में बहुत एम्प्टी स्पेस है, एंड दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पार्ट, ये जो बेड रेस्ट है यहाँ पर थोड़ी स्पेस है टू कीप थिंग्स। देयर इज एन आयरन ओवर हियर एंड दिस किंग साइज बेड जो बहुत कुशनी है। नाउ वी शो यू द बाथरूम। अब यूनिक चीज है कि इस रूम की जो यूजुअल बाथरूम्स में जो शावर एरिया रहती है, वॉश बेसिन रहती है, वो सब डोर के पीछे रहते हैं। दिस इज वेरी यूनिक, देयर इज अ स्लाइडिंग डोर और डोर के पीछे दिस इज द शावर एरिया, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉश बेसिन मेन डोर के बगल में ही है। वेरी नाइस, एंड दे हैव गिवन अस ऑल दीज लिटिल थिंग्स, शावर कैप, सैनिटरी बैग, तिजोरी। And now we enter the shower area. Nothing to say. Bathroom. That's the room rule. अब जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। एक क्विक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन के लिए मसल ब्लेज ने प्रोटीन ओट्स लॉन्च किया है। इसके हर 100 ग्राम सर्विंग में मुझे 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 56 ग्राम ऑफ कार्ब्स और 11 ग्राम फाइबर मिलता है, जो मुझे काफी टाइम के लिए सेशिएटेड रखता है। दैट्स व्हाट मेक्स इट एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन। इसमें गुड बैक्टीरियाज भी एडेड है जो मेरे गट हेल्थ और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसे खाने के बाद मुझे कभी भी ब्लोटेड फील नहीं होता। ये डार्क चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है जो काफी टेस्टी है, और इसके बॉक्स के पीछे दो रेसिपीज लिखी है, सो डू ट्राई देम आउट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड यूज माय कोड फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट। Donuts, yes. I haven't had that. ये सिर्फ पहला सेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे सीरियल्स, क्रोसॉन्ट, ये कुछ है which I have never tried before.
देयर आर वैरायटी ऑफ डोनट्स. कल मुझे बहुत डोनट की क्रेविंग आ रही थी बाय द वे. ब्लूबेरी डैनिश एंड वी हैव अनदर टाइप ऑफ डैनिश. बनाना केक, एगलेस टी केक, मफिन. और यहाँ पर ऐसे प्री मेड म्यूसली रखा हुआ है फॉर आर कन्वीनियंस. ये मेन बुफे एरिया था. यहाँ पर एक लाइव सॉर्ट ऑफ काउंटर है जहाँ पर मैं अंडे ऑर्डर करने वाला हूँ. एक्सक्यूज मी, कुड आई ऑर्डर एग्स? आई ऑर्डर 6 एग वाइट ऑमलेट. 39. थैंक यू. ये है ब्रेकफास्ट पार्ट 1. दो बेकन के स्लाइसेस, 3 सॉसेजेस, 2 पोर्क सॉसेजेस और थोड़ा सा बेक्ड पोटेटो. और ये है ब्रेकफास्ट पार्ट 2. चाहे मैं किसी भी बुफे में हूँ, मेरे हमेशा से दो साइड्स रहती है. एक जहाँ पर सेवरी और सारे मीट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड्स रहता है, और एक साइड जहाँ पर मैं पूरी तरह से डेजर्ट्स के साथ फिल करता हूँ. अब चीज़ यह है कि कल तक हमारा पेट काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल द कॉन्स्टेंट जंक ईटिंग. थैंक यू. एंड अ कैपुचिनो, दिस इज़ ऑल्सो मैंडेटरी. बट मैंने सोचा आज आखिरी मॉर्निंग है, आई विल नॉट होल्ड बैक. इसीलिए मैंने अपना डेजर्ट का अमाउंट ऐसे डबल कर दिया. इसके बाद हम एक वर्कआउट भी लगाएंगे. So this should fuel me up for that. Yeah, actually. Yeah. Want to take the call, sir? No. Yeah. That's my plate. Yeah, you're going to have everything. That's except I don't want. I want one more of this, actually. Say bye room. Bye room. Chal. I don't know you're vlogging. Our original plan था कि breakfast buffet के बाद यहाँ पर जो gym है वो checkout करना और वहाँ पर एक workout लगाना. But हमने breakfast इतना heavy खाया और इतना oily और ऐसे sluggish खाना खाने के बाद I'm not feeling too good. इसीलिए अभी हमने एक Uber book किया. We've checked out. और ये जो होटल है, आई एक्चुअली वॉन्टेड टू रोम अराउंड अ लिटिल. सो होपफुली नेक्स्ट टाइम मसल ब्लेज प्लीज यहीं पर बुकिंग करवा दो. इन अ वे आई एम वेरी ग्लैड कि हम जिम नहीं गए, वरना बहुत सारा फटीग अक्यूमुलेट होता और फ्लाइट के पहले इतनी सारी थकान इज़ नॉट आइडियल. और एक और अच्छी बात है कि हम एयरपोर्ट 2 घंटा पहले पहुँचे हैं. सिक्योरिटी चेक हो गया, चेक इन हो गया. अभी हम गेट के पास बैठे हैं. हमारा गेट 39B है, बट लकीली दिल्ली एयरपोर्ट पे, इफ़ यू नेवर बीन हियर बिफोर, गेट नंबर 41 पे, दैट्स क्रिस्पी क्रीम. और जब से मैंने लैंड किया है तब से आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट क्रिस्पी क्रीम. मुझे सच्ची में खाना है. वन लास्ट ट्रीट बिफोर गोइंग बैक होम. और क्रिस्पी क्रीम सिर्फ डिपार्चर के वक्त हमें दिखता है, वरना अराइवल का जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा अलग है आई थिंक. आई एम गोना मैक्सिमाइज ऑन दिस. दीवा मेरे लिए 2 डोनट्स लेके आ रही है. द टाइम हैज कम. थैंक यू, थैंक यू. यस, मैंने इसके पहले सिर्फ एक बार क्रिस्पी क्रीम खाया है और वो था जब मैंने और नील ने दिल्ली में लैंड किया था. और तब मैंने नील से सिर्फ एक बाइट ली थी बिकॉज दैट टाइम आई डेंट रियली केयर अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. तब मेरा सिर्फ एक गोल था और वो गोल था लीन रहना. इसीलिए आई यूज़ टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ जॉयज फ्रॉम लाइफ. बट वाह, ये एक न्यूयॉर्क चीज़ केक है और ये कुछ चॉकलेट पता नहीं पर अच्छा है. लेट्स ट्राई. ओके, अरे यू नो व्हाट, नो स्पून. से थैंक यू जीएफ. थैंक यू जीएफ, यू आर द बेस्ट. यू वांट अ बाइट? नो नो नो, यू सो सॉफ्ट. Now someone will timestamp that and say that's what she says.